वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हारिस। हारिस साहब। हारिस भाई, अल रहमान बिरयानी हम कवर करने आए हैं, थोड़ा सा बताओ ना। आपने कहा कि आप बचपन से अल रहमान की बिरयानी। अल रहमान जी के पहले बात हुई कि हमारा घर केमाड़ी में ना, यहाँ से नज़दीकी केमाड़ी, तो केमाड़ी में जो तकरीबन मशहूर है केमाड़ी के अंदर रहमान बिरयानी, तो ये रहमान बिरयानी तकरीबन बचपन से खा रहे हैं रहमान बिरयानी। इसका जो है जायका इस रोड पर, इसी चक्कर पर तकरीबन 5 बिरयानी वाले खुले थे इस रोड के ऊपर, एक लाइन से कभी भी खुला हुआ है ना एक लाइन से, तो उसकी टक्कर में खोली बिरयानी लेकिन चल नहीं पाई। इसकी पहले दुकान है, छोटी छोटी सी दुकान जिसकी, छोटा थोड़ा सा केबिन था इसका पहले, तो उससे बढ़ते 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 आज अलहमदिल्ला देखो इसका पूरा नाम चल रहा है रहमान का। इसके एक शाख क्रिप्टन में है, एक शाख इसकी आपने बताया ना कि और भी शाख, इसकी एक शाख है इसके बोल्डन में भी इसकी शाख है। नॉर्मल बिरयानी अगर आपको ना कि नॉर्मल ले तो नॉर्मल बिरयानी दे देगा आपको, नॉर्मल बिरयानी दे देगा आपको। वैसे इसकी टेस्ट तो कराची की तो बिरयानी मशहूर है, 12 मसाला। मैं पूरे पाकिस्तान अलहमदिल्ला घुमा हुआ ना, कश्मीर वगैरह, लेकिन कराची में जो बिरयानी है ना, कराची की जो बिरयानी खास तौर पर रहमान की बिरयानी, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो माशाल्लाह टेस्ट भी इसका अच्छा है और इसका एक नाम है, लोग दूर दूर से आप बिरयानी खाने आते हैं। मैंने एक खा रहा था ना, एक ना 2 हफ्ते में आ रहा था, मैं एक इतवार को आया, नेक्स्ट संडे में आया बिरयानी खाने के लिए, तो मैंने मेरे बाबा से मुलाकात हुई, मैंने कहा बाबा कब से खा रहे हो? बाबा कह रहे हैं मैं भी बचपन से खा रहा हूँ उसकी, मतलब बचपन तो हुआ नहीं है। हाँ कह रहे हैं बाबा आते हैं ना, नाजाबाद से बाबा आते हैं ना, तो नाजाबाद से बाबा उसकी बिरयानी खा रहा है। बड़ा अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह उसका, जो है आप भी आएँ ट्राई करें इंशाल्लाह। जब ट्राई करेंगे ना आप भी, जब आ गए तो फिर दोबारा आना है आपने भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा होगा, आज हम लोग अल रहमान बिरयानी कराची पे बैठे हैं। अल रहमान बिरयानी बिल्कुल जो मेन टावर है, मेरी वेदर टावर जो है, उसकी जो एक गली है जिसमें बाकड़ा रेस्टोरेंट अल मशहूर कराची में, उस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही अल रहमान बिरयानी शॉप है। बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पर दानिश हिजाज साहब ने, ये हमें व्हाट यू कैन से एक रिकमेंडेशन दी थी। दानिश साहब का कहना है कि अल रहमान बिरयानी से अच्छी बिरयानी कराची में नहीं है। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ हेल्दी डिस्कशन जो कि मैं और दानिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीक मलंग बिरयानी वेस्ट वाफ पे कवर की थी। सो आज हम अल रहमान बिरयानी पे आएँ। अल रहमान बिरयानी वाले ने बड़ी अच्छी जगह हमें एक स्पॉट दिया है जहाँ पर हम शूट कर सकते हैं। उन्होंने हमें अपनी कुछ हिस्ट्री भी बताई है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। और अभी हम इस बिरयानी को टेस्ट करेंगे और जो रिव्यू है वो दानिश इजाज़ साहब करेंगे, बिकॉज़ के उनकी फरमाइश पर हम अल रहमान बिरयानी पे इस वक्त बैठे हैं। मैं सिर्फ टेस्ट करूंगा और उसके बाद जो रिव्यू है, जो फूड रिव्यू है, वो आज दानिश इजाज़ करेंगे अल रहमान बिरयानी का। थैंक यू। अच्छा, तो जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि ना ये फीकी है ज़्यादा, ना ये तीखी है ज़्यादा। तो जो लोग बैलेंस टेस्ट लेकर खाना खाना चाहते हैं, जो बिरयानी खाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। चिकन में है ये ड्रॉबैक है, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से बीफ बिरयानी का फ़ैन हूँ, लेकिन मसाले का बैलेंस, क्वान्टिटी, प्राइस, और सबसे बड़ी बात यह कि आप जब आएँ आपको ये गर्म अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि इनका पकवान करीब में है, तो ये फौरन के फौरन ताज़ी बिरयानी लेकर आते हैं, तो आपको एक बासी बिरयानी का इशू नहीं होता। मैंने इसको काफ़ी सारे लोगों को रिकमेंड किया है अब तक, एंड सो फार अल रहमान बिरयानी ने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन बिरयानी, और कराची में और भी बहुत सारी अच्छी जगह है जहाँ पर।